Hi everyone, this is Prajjal and welcome to Prajjal's Art Room. ये देश मेरा महान, ये भारत मेरा महान। दोस्तों, हमारे इस देश में सदियों से बहुत सारे टैलेंटेड पेंटर्स जन्म ले चुके हैं और अपने टैलेंट से पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम रोशन कर चुके हैं। आज हम उन्हीं में से 5 पेंटरों के बारे में जानेंगे जिनको मैंने उनके जन्म साल के हिसाब से सजाया है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। राजा रवि वर्मा हमारे टॉप 5 इंडियन पेंटरों में पहले नंबर पर हैं। राजा रवि वर्मा एक बेहतरीन आर्टिस्ट थे। हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट के ग्रेटेस्ट पेंटरों में राजा रवि वर्मा एक हैं। रवि जी की ज़्यादातर पेंटिंगों में माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स ज़्यादा देखे जाते हैं। रवि वर्मा जी की सबसे फेमस पेंटिंग है शकुंतला। अवनींद्रनाथ टैगोर हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर अपने राइटिंग की तरह अपने पेंटिंग के लिए भी जाने जाते हैं। अवनींद्रनाथ जी बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के फाउंडर और इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के क्रिएटर थे। इनके पेंटिंगों में देश के लिए इनका प्रेम नज़र आता है। अवनींद्रनाथ टैगोर अपने भारत माता पेंटिंग के लिए बहुत फेमस है। हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं नंदलाल बोस। नंदलाल बोस मॉडर्न इंडियन आर्ट स्टाइल के लिए बहुत फेमस है। बच्चों की बुक सहज पाठ में इनकी पेंटिंग्स हर किसी को बहुत पसंद है। नंदलाल जी की पेंटिंगों में भी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। नंदलाल बोस की पेंटिंगों में यम एंड सावित्री और बापूजी पेंटिंग ज़्यादा पॉपुलर है। जामिनी रॉय हमारे लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। जामिनी रॉय मॉडर्न इंडियन आर्ट के लिए एक वरदान स्वरूप हैं। जामिनी जी बंगाल फोक ट्रेडिशन से अनुप्राणित होकर बहुत सारी बेहतरीन पेंटिंग्स क्रिएट कर चुके हैं। इनके 3 पुजारिंस और गॉडेस दुर्गा विथ लक्ष्मी सरस्वती एंड गणेश पेंटिंग्स बहुत ही लोकप्रिय हैं। हमारे लिस्ट में आखिरी अर्थात 5वें नंबर पर हैं अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल एक मॉडर्न आर्टिस्ट थी। महिला पेंटरों के लिए अमृता जी एक मार्गदर्शक हैं। यंग गर्ल्स एंड 3 गर्ल्स इनकी 2 खूबसूरत पेंटिंग्स हैं। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को जानना है आप लोगों को इस चैनल में किस तरह के वीडियो मिलेंगे तो फिर मेरा पहला वाला वीडियो ज़रूर देखिए जिसका लिंक मैंने आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखा है। तो फिर दोस्तों, आज के लिए मैं चलता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो पे। नमस्कार।